आईपीएल खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके साहिबजादे ने ऐसा कारनामा किया जिसकी जद में बॉलीवुड की कई और हस्तियां भी आ सकती हैं। क्रूज पर आयोजित रेव पार्टी में पकड़े गए आर्यन खान का फोन जब्त कर लिया गया है। फोन की चैटिंग्स और कॉल डिटेल्स से कई और बड़ी मछलियों के पकड़े जाने की संभावना है। मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में ड्रग्स पार्टी में यात्री बनकर पहुंची एनसीबी की टीम ने यहां छापा मारा और इस पार्टी में बॉलीवुड, फैशंस और बिजनेस से जुड़े लोग शामिल थे। इस मामले में एनसीबी ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी ने बताया कि 2 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा गया और वहां मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली गई। इस दौरान एनसीबी ने एमडीएमए, कोकीन, एमडी और चरस बरामद किया। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एनसीबी ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। एनसीबी को क्रूज के अंदर चल रही पार्टी का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें आर्यन दिखाई दे रहे हैं। पूछताछ में आर्यन ने बताया कि उन्हें इस पार्टी में गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। आर्यन ने दावा किया कि ऑर्गेनाइजर ने उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी में बुलाया था। एनसीबी ने आर्यन का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और उनकी चैट्स को खंगाला जा रहा है। क्रूज पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली से 3 लड़कियां भी आई थी और तीनों से एनसीबी पूछताछ कर रही है। ये तीनों बड़े कारोबारियों की बेटी बताई जा रही हैं। एनसीबी ने इन सभी के मोबाइल फोन्स भी जब्त कर लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है। एनसीबी के दिल्ली हेडक्वार्टर से इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में न्याय संगत और कानून के दायरे में जांच की जा रही है। जिसकी भी भूमिका होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनसीबी मुंबई जोनल डायरेक्टर अरबाज से तो वीवीएस सिंह आर्यन खान से पूछताछ कर रहे हैं। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें से कुछ लोगों के पास नशीले पदार्थ भी मिले हैं। एनसीबी के डीजी ने बताया कि क्रूज पर चल रही पार्टी को लेकर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और शिपिंग मिनिस्ट्री को डिटेल्ड रिपोर्ट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी को लेकर हमें करीब 15 दिन पहले एक बेहद गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके बाद हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि जिसका रोल भी सामने आएगा उससे पूछताछ की जाएगी। इस मामले में एनसीबी ने 6 ऑर्गेनाइजर्स को समन भी जारी किया, जिन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फैशन टीवी इंडिया के एमडी काशिफ खान को भी बुलाया गया। इस बीच कॉर्डेलिया क्रूज के अध्यक्ष और सीईओ जुर्गन बेलूम ने बताया कि छापेमारी के दौरान एनसीबी ने कुछ यात्रियों के लगेज से ड्रग्स बरामद किया। उन यात्रियों को उतार दिया गया है। जिस शिप पर पार्टी चल रही थी वो कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी की थी। इस पार्टी को फैशन टीवी इंडिया और दिल्ली की नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। बीच समंदर में होने वाली इस पार्टी के लिए एंट्री फीस 60,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक रखी गई थी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।